प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग मुखपालिकाभ्यम मठ मठ मन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु न शिव शिवम् नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं आज के केदारनाथ धाम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है, ऐसे में अब कोई हेलो हेलो लोकसभा चुनाव के अंतिम सीट पर चुनाव और 2019 में फिर से जीत का स्वाद चखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने केदारनाथ धाम पहुंचे। आवाज आ गई। लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है, ऐसे में अब कोई गठजोड़ की रणनीति बना रहा है तो कोई भगवान की शरण में जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना की, जिसके लिए पीएम दो दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। लोकसभा चुनाव के अंतिम सीट पर चुनाव और 2019 में फिर से जीत का स्वाद चखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने केदारनाथ धाम पहुंचे। सुबह 8:15 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान पहुंचा, जिसके बाद पीएम मोदी करीब 9:30 जॉलीग्रांट से केदारनाथ धाम पहुंचे। पीएम भोले बाबा की शरण में पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चौथी बार पहुंचे केदारनाथ धाम। एक बार फिर 2019 की जीत का स्वाद चखने के लिए पहुंचे भोले के द्वार। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की गुफा में पीएम ने की ध्यान साधना।
पारंपरिक पहाड़ी परिधान में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान से पहले और 2019 में फिर से जीत का स्वाद चखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने केदारनाथ धाम पहुंचे। सुबह 8:15 बजे जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान पहुंचा, जिसके बाद पीएम मोदी करीब 9:30 बजे जॉली ग्रैंट से केदारनाथ धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने धाम में पहुंचकर करीब 17 मिनट तक मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी पहाड़ी परंपरा के परिधान में नजर आए। मंदिर की परिक्रमा के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इसके बाद रविवार को पीएम मोदी बद्री धाम के भी दर्शन करेंगे, जिसको लेकर मंदिर समिति ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की जो संभावित यात्रा इस समय यहाँ पर मतलब बनने जा रही है, तो हमारे देश विदेश के जितने भी लोगों ने शायद सुना होगा बहुत उत्साहित हैं। यहाँ की लोकल जनता, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हम सभी लोग और उनके स्वागत के लिए और पूरी तरह तत्परता से यहाँ पर विद्यमान है। हम सोचते हैं कि हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो हम सभी लोग बड़े उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए यहाँ पर और तैयार रहेंगे। केदारधाम की यात्रा पर आए पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए बीजेपी द्वारा राज्य में लगी आचार संहिता का भी ध्यान बखूबी रखा गया था। पीएम मोदी के जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट में पहुंचने पर एयरपोर्ट पर औपचारिक तौर पर पीएम के स्वागत में राज्यपाल और सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे, जिसके बाद केदारनाथ धाम बिना किसी बीजेपी नेता के पीएम मोदी अकेले ही रवाना हो गए। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये पीएम मोदी का निजी दौरा है, जिस पर कांग्रेस राजनीति करने का काम कर रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ आना निश्चित रूप से उत्तराखंड के सौभाग्य की बात है। इस तरह से मेरे ये चारों धाम में से दो धामों का बहुत अधिक प्रचार प्रसार भी मिलता है, साथ साथ लोग पूरी देश और दुनिया इस बात से इंस्पायर होती है कि निश्चित रूप से इन चार धामों में आकर व्यक्ति अपनी थकान के साथ में एक नई ऊर्जा के साथ में व्यक्ति फिर से आगे के लिए जो कि उन्हें जिम्मेदारी बाबा केदारनाथ देने वाले हैं, पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उस ऊर्जा को संजोने जो है वो केदारनाथ गए हैं, तो ये सबको इंस्पायर करता है। मुझे लगता है कि हमें स्वागत करना चाहिए और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री का चौथा या पांचवा दौरा जो है इन चार धामों में लग रहे हैं स्वागत योग्य है, और मुझे खुशी होती है कि हम ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को मिलना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के पास है। भले ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश में लगी आचार संहिता के चलते सूबे की बीजेपी सरकार प्रोटोकॉल का ध्यान रख रही है, लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति करने का मौका मिल ही गया। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी अपने 5 साल के कार्यकाल में चौथी बार केदारनाथ आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक केदारनाथ के विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। और इस यात्रा को पूरा राजनीतिक रूप प्रचार का रूप, जिसे कहते हैं कि चुनाव प्रचार के तौर आयोजित प्रायोजित किया गया, और इस यात्रा को प्रचार करने के लिए दूरदर्शन से सारे चैनलों की मदद ली गई। सरकारी चैनल दूरदर्शन जो कि सरकारी पैसे से चलता है, टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसने 1 घंटे से अधिक का लाइव टेलीकास्ट किया और अभी भी लगातार टेलीकास्ट किया जा रहा है। लंबे समय से लोकसभा चुनाव की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी नतीजों के आने से पहले आध्यात्मिक शांति के लिए भोले बाबा के द्वार पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने भोले बाबा से एक बार फिर मिशन 2019 के लिए आशीर्वाद लिया। लेकिन पीएम को इस बार बाबा केदार का कितना आशीर्वाद मिलता है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बयां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पीएम मोदी की इस यात्रा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के पास अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी रणनीतिक वो बातें कर रहे हैं। खैर, इस चर्चा में हमारे साथ
नरेश बंसल जी जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री है वो भी जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र भंडारी संवाददाता रुद्रप्रयाग से और भूपेंद्र गुप्ता हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नरेश बंसल जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार और खास करके उत्तराखंड में कांग्रेस के लोगों द्वारा लगातार पीएम मोदी की इस धार्मिक यात्रा को, एक आस्था की इस यात्रा को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का उमंग जी इस सारे मामले को राजनीतिक रूप देना, क्योंकि कांग्रेस को हर चीज राजनीतिक चश्मे से दिखाई देती है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड और विशेषकर केदारनाथ से तो लगाव है, ये पिछले जी जी लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा नरेश बंसल जी से संपर्क टूट गया है। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास मैं आना चाहूंगा, ब्यूरो हेड उत्तराखंड। भूपेंद्र जी, इस प्रकार से हमने सुबह भी चर्चा की थी, पीएम मोदी की इस धार्मिक यात्रा को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, हालांकि हमने इस पूरी यात्रा की हमने कवरेज भी करी है, हमने हमारे दर्शकों को भी बताया, पीएम मोदी के साथ प्रदेश का या केंद्र का एक भी नेता नहीं था, वो स्वयं अकेले ही इस पूरी यात्रा पर आए, तो फिर क्यों इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? जी भूपेंद्र जी, ये सबसे खास बात यहाँ ये है कि चुनाव आचार संहिता कल शाम तक का प्रभावी रहेगी, शाम के 5 बजे तक चुनाव आचार संहिता जो है निष्क्रिय हो जाएगी जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है नरेंद्र मोदी की इस धार्मिक यात्रा को लेकर के चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को साफ ये याद दिलाया है कि अभी भी चुनाव आचार संहिता पूरे देश में प्रभावी है, तो उन्होंने एक ही तरीके से उनको संज्ञान में दिया कि किसी भी प्रकार से जो है इसका उल्लंघन ना होने पाए या इसके साथ में कोई छेड़छाड़ होनी पाए हो जानी चाहिए, तो ये चुनाव आयोग ने जो उनका एक उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने अपनी निभाई है। उसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ गौर से देखें तो जो जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी यहाँ जोलीकंड एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन किया, उसके बाद वो सीधे सीधे वापस लौट गए। तो अभी तक का जो हमने प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखा है, जो अभी तक का पूरा कार्यक्रम हुआ है, उसमें अभी तक कहीं तक का ये भी नहीं दिखाई देता है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। लिहाजा ये मामला धार्मिक यात्रा का है प्रधानमंत्री का, तो निश्चित तौर पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो तमाम कार्रवाइयां, तमाम सिस्टम, तमाम मशीनरी जो लगनी चाहिए वो लगी हुई है। उसके बावजूद भी जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, कि किस तरीके से जो आपदा के बाद से जो है खेदारपुरी में और उसके जो निर्माण कार्यों का जायजा तेजी से, मतलब एक निर्माण कार्य जो तेजी से हो सके उनकी क्या गतिविधि है, उसमें कितनी जो है शिथिलता आ रही है, इन सब चीजों को लेकर के वो लगातार हम लोग देखते रहे हैं कि वो चिंतित रहे हैं और मॉनिटरिंग लगातार वो करते रहे हैं। उसी बहाने चूंकि इतना बड़ा पूरे देश में चुनावी उत्सव चल रहा है, कल अंतिम चरण का मतदान होना है, तो उन्होंने अपने चुनाव का जो तनाव है या दबाव है उस दौरान पे उन्होंने कहीं तक जो है वो कहीं हमारे दिखाई दिया कि अभी तक 44,000 जो उनके दौरे हुए, सब सभाएं हुई हैं, जलसे हुए हैं, रोड शो हुए हैं, उसके दौरान जो एक तरीके की हम कह सकते हैं थकान है, वो उनको यहाँ पे आकर के थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है, और चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी पंथ या संप्रदाय का व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो कहीं ना कहीं प्रभु की शरण में आकर के एक धार्मिक स्थल पे जा करके वहां पे थोड़ा सा अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने का काम करता है और रिलैक्स होने का काम करता है। तो हम उसको दूसरे नजरिए से अगर देखें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे जो है वैसे भी आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, और इतना बड़ा चुनाव पूरे जो है देश का चुनाव माहौल के बाद से अगर वो अपने आप को रिलैक्स करने के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम या चुनावी इसकी यात्रा के दौरान वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने आए हैं आध्यात्म के जरिए और ये धार्मिक यात्रा के जरिए। तो और इसके साथ ही साथ जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि निर्माण कार्य जो चल रहा है, तो उन्होंने खुद आज यहाँ 1.5 घंटे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जो चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड उत्पल कुमार हैं, उन्होंने एक एक का निर्माण कार्यों की जो है बारीकी से जानकारी दी है कि किस मामले में, जैसे रोडों को है जो गृह बने रहे हैं, रुकने के बन रहे हैं, या मंदिर के आसपास जो ध्यान गुफा बनाई जा रही मंदाकिनी नदी के ऊपर, उसमें किसकी तेजी से काम हो रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ रुकावटें आ रही हैं, उसका खुद नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे तक का जायजा लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी इससे संतुष्ट दिखाई दिए हैं। तो रही बात कांग्रेस के तंज कसने की, तो चूंकि यहाँ पे
जो पिछले दो चौथा दौरा है प्रधानमंत्री का, तो उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री के चौथे दौरे के बाद से जो तेजी है, जो सक्रियता दिखाई देनी चाहिए थी, वो सक्रियता नहीं है। और विरोधियों का काम है तंज कसना, जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनका जो पछतावा है पिछले पांच सालों का, जो कमियां रही, गलतियां रही, उसकी माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं आता है जाता है चुनावी माहौल में और वो राजनीतिक सुर्खियां ना बने या वो सुर्खियां ना बटोरे, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये जो है कांग्रेस और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इन पे निशाना साध रहे हैं। उमंग जी बिल्कुल भूपेंद्र, आपने सही कहा कि इतना बड़ा नेता और देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं पे भी जाता है तो उसका राजनीतिक रूप ना बने ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल हमारे साथ में भूपेंद्र भंडारी संवाददाता रुद्रप्रयाग से, वो भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है बीजेपी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि अगर इतना ही लगाव है तो आपदा के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तविक स्थिति इस समय क्या है। जी भूपेंद्र, लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता भूपेंद्र भंडारी का संपर्क हमसे कट गया है। मैं हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति आपदा के बाद से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री का इतना लगाव है उत्तराखंड से, केदार बाबा से, और वो लगातार आते भी रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या है और विपक्ष के आरोपों में और आज की स्थिति में कितना कुछ अंतर हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे जो खास और अहम बात है कि जो है उनका साफ कहना है कांग्रेसियों का कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं, इसे अपना जो है मानते हैं कि उत्तराखंड के लिए वाकई वो कुछ करना चाहते हैं, तो जो तेजी, सक्रियता और जो सिस्टम या मशीनरी जो यहाँ लगनी चाहिए थी, चौथा दौरा है उनका, तो वो उतनी तेजी से काम होता नहीं दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से आपदा के बाद से एक पूरे देश में भय का माहौल बन गया था, हमारे जो देश दुनिया में जो इतना फेमस चारों धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर के जो एक अजीब सा माहौल बन गया था उसमें, लेकिन उस समय जब हरीश रावत यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे, वो भी केंद्र की सरकार की मदद के द्वारा, वो लगातार पत्र लिख रहे जिसको, और उस मामले पर तमाम जो है हम लोगों की तरफ से खबरें भी प्रसारित की गई। लेकिन जो स्थानीय लोगों को रही बात, जो छोटी छोटी मूल समस्याएं हैं, मूल दिक्कतें हैं, या जिस लेवल का काम मशीनरी होना चाहिए था, या अगर हम दुनिया के और तमाम तीर्थों की बात करें, तिब्बत के जो है बुद्ध मंदिर की बात करें, तो उस तरीके की जो आपने बात कही थी, जैसे आपने बनारस को टोक्यो शहर बनाने की बात कही थी, उसी तरीके से आपने केदार बाबा को एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात की थी, वो काम उतने तेजी से, उतनी गति से और उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं होता दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर के मामला ये है, लेकिन उसको कांग्रेस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने में लग गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि ये मेरा स्वप्न है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो उसको आपको उतनी गंभीरता, उतनी तत्परता के साथ आपको यहाँ पे काम का होना भी दिखाई देना चाहिए। यात्रियों के, श्रद्धालुओं की संख्या में होना चाहिए था, उनको सुविधाएं होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे उमंग, ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रदेश सरकार को भी इस दिशा में या उसकी तरफ से और तमाम प्रोजेक्ट या किसी प्रकार से कुछ ना कुछ सलाह या कुछ ना कुछ अपने सुझाव जो है केंद्र के साथ शेयर करने चाहिए। वो उसमें थोड़ा सा जो तालमेल है, या हम इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि इतनी धार्मिक, इतनी पौराणिक स्थल है हमारे ये चारों धाम, इनके साथ किसी प्रकार की जो है कहीं छेड़छाड़ ना हो, किसी प्रकार से उनके जो है वास्तु से, उनके जो है शैली से, उसके तरीके से कहीं ऐसी हम वो ना कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जाए कि हम अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके उनकी कीजिएगा। आपको मैं यहाँ बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी गोविंद जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केदारनाथ का दौरा है, पांच साल में चौथी बार वो यहां पर आए हैं, लेकिन इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो इसकी प्रमुख वजह क्या है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी गोविंद जी, मेरा ये कहना है जी कि जब उत्तराखंड में आपदा आई जी, और उस आपदा से पहले माननीय मोदी जी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे जी, और वो कभी भी उत्तराखंड में या केदारनाथ में, यहाँ के धार्मिक स्थानों में नहीं आए जी,
और आपदा के बाद फिर उन्होंने केदारनाथ के मामले में राजनीति करनी शुरू करी। जी मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में वो उसको संवारने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, भव्य स्वरूप बनाने के लिए बजट की व्यवस्था कर सकते थे जी राज्य सरकार को दे करके, लेकिन उन्होंने उस समय राजनीति करी कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी जी और सेंट्रल में मोदी जी आ गए थे, तो उस समय उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया जी, और उस समय उन्होंने कोई उसको आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई, और उसके बाद ही उन्होंने उसमें राजनीति शुरू करी जी। ये मैं मानता हूं कि केदारनाथ बहुत धार्मिक स्थल है, आस्था है, सारा देश दुनिया उसको मानता है जी। वहां जाना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वहां जाकर के आप राजनीतिक बात करें, राजनीतिक संदेश दें, तो उससे लगता है कि केदारनाथ को लेकर के वो राजनीतिक राजनीति करना चाहते हैं, और उसी लिए जो है उनके केदारनाथ के दौरे के बाद राजनीति शुरू हो जाती है जी। बिल्कुल गोविंद जी, हमारे साथ में समय केदारनाथ जी, केदारनाथ मंदिर में केवल विशुद्ध रूप से आस्था के धार्मिक रूप में आस्था के रूप में जाए आदमी वहां, तो उससे कोई विवाद पैदा नहीं होगा जी। होता है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वहां जाकर के अगर राजनीतिक बात करता है तो फिर पूरे देश में भूचाल आ जाता है, उसमें फिर राजनीति शुरू हो जाती है जी। बिल्कुल गोविंद जी, आपकी इस बात का जवाब हम मांगेंगे सुरेश जोशी जी से, जो कि बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार, नमस्कार जी, उमंग जी। सुरेश जी, गोविंद जी कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, अगर कहीं भी धार्मिक स्थल ही जाता है, वहां पे वो सिर्फ एक दर्शन मात्र करने जाए, वहां से अगर वो राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीति जरूर शुरू होगी, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो जी, या देश के किसी भी एकेडमिक पद पर बैठा व्यक्ति हो जी, वो कहीं न कहीं जब वो पैदा होता है तो किसी न किसी संस्कारों में और किसी न किसी परिवार में और किसी न किसी धर्म में या किसी न किसी आस्था में अपने को व्यक्त करने वाला व्यक्ति होता है ना। ये तो नहीं है कि भाई अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो फिर वो कहीं जाएंगे ही नहीं जी। तो प्रधानमंत्री जी की अपनी आस्था है, और संविधान ने देखो हमको मौलिक अधिकार भी दिया है कि भाई हम अपनी आस्था को जो है चाहे मठ में प्रदर्शित करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गुरुद्वारे में करें, जो जिससे जिस धर्म का अनुयायी है वहां वो उसको प्रदर्शित करता है। ये तो हमारा संविधान अधिकार हमको अधिकार देता, हमारे आर्टिकल में ये चीजें हैं जी। अब अगर प्रधानमंत्री देश के केदारनाथ जी में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं तो इसमें कहां राजनीति झलकती है? मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि मैं सुन रहा था अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी को, बहुत नेता हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई आप 2013 की आपदा का जिक्र कर रहे हैं, आप कहते हैं साहब पैसा नहीं दिया। पहली बात तो मैं बताऊं कि स्टेट के पास कौन सा ऐसा पैसा है जो केदारनाथ में लगा? केदारनाथ में भी आपदा का ही पैसा लगा और वो भारत सरकार का ही पैसा लगा। अब उसको भारत सरकार के पैसे को भी अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो पैसा कैसे लगा, क्या लगा, तो भाई ये तो सभी देख रहे हैं, क्योंकि भाई जब आपके पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है स्टेट में, स्टेट के बजट के ये हाल है, तो इसलिए जो भी पैसा खर्च हो रहा है, चाहे सरकार आपकी थी चाहे सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के जितने भी कामों में पैसा खर्च हो रहा है उसमें अधिकांश पैसा तो भारत सरकार का ही है। आपके पास जो जिला योजनाओं में स्टेट प्लान में पैसा है उसी में पैसा नहीं है जी। सुरेश जी माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप है विपक्ष का या कांग्रेस का वो ये है कि जिस तेजी से काम होने चाहिए थे, प्रधानमंत्री की एक तरीके से फेवरेट जगह है, उनके दिल से लगा हुआ है केदारनाथ धाम, वो यहाँ पे आते हैं, उनके आस्था का केंद्र है, तो जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो आरोप ये है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था उतनी तेजी से हुआ नहीं। देखिए उमंग जी, ये अपना अपना चश्मा है आंखों में देखने का जी, अब कौन किस तरह से किस चीज को देख रहा है और उसको देख करके किस तरह से उसको वर्णित कर रहा है, सब्जेक्ट ये है। अगर प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ जी को लेकर, बद्रीनाथ जी को लेकर या गंगोत्री यमुनोत्री को लेकर के उनके मन में अगर कोई श्रद्धा नहीं होती, कोई भाव नहीं होता,
तो 12,500 करोड़ रुपया जो आज वहाँ की सड़कें बन रही हैं, फोर लेन बन रही हैं, सुसज्जित हो रही हैं, उसके लिए वो प्रयास नहीं करते। अगर उनके मन में उत्तराखंड के चार धामों के लिए कोई श्रद्धा नहीं होती तो इतनी जल्दी जो है कि 7,000 करोड़ रुपया रेलवे में हम लोगों ने आवंटित करके उसके टेंडर नहीं लगते। भाई ऐसा है ना कि देखो एक दिन में तो काम नहीं होगा, टाइम लगेगा। आज आलवेदर रोड बन रही है, 2 साल बाद आप खुद ही उमंग जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगले साल आइए और उसके बाद देखिए कि भाई केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की जो यात्राएं हैं वो कितनी सुगम, कितनी सरल और कितनी सुंदर और रमणीक होती है। इसलिए ये कहना कि कहने से नहीं होता है। आपने भाई, आप भी यूपीए के रूप में काम किया आपने 10 साल, आप अपना बता दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी थे, आपके प्रदेश से ही जो है कि मिनिस्टर वहां पे काम कर रहे थे, आपने क्या किया? जी बिल्कुल गोविंद जी, क्या कुछ जवाब है सुरेश जी की बात का? देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि आसपास है, इसलिए मंदिर को जाना संवैधानिक हमको अधिकार भी है, लेकिन मैं वहां जाने के बारे में कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बात उसका विरोध में कह रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि वहां जाकर के अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो फिर विवाद खड़ा होता है। विशुद्ध रूप से वहां के हित के लिए, वहां की योजनाओं के निर्माण के लिए और वहां जो दर्शन करके जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए व्यक्ति जाए तब तो उसमें कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। लेकिन वहां जाकर के आकर आदमी ये कह दे कि साहब 60 साल में जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया आज तक, जी तो उस पर निश्चित रूप से विवाद खड़ा होगा। जी बिल्कुल गोविंद जी, आप सही कह रहे हैं। और जिस प्रकार से इतने बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर कहीं पे भी जाता है तो कुछ ना कुछ बातें तो जरूर उठती हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों का, पक्ष का, विपक्ष का अपने अपने मत हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेके। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी की जो ये यात्रा है, केदार बाबा की जो यात्रा है, आज वो केदारनाथ धाम में रुकेंगे, कल वो बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और कल लोकसभा चुनाव 2019 का आखिरी चरण का मतदान भी होना है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेके सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने दावे हैं, तो अब इन यात्रा को लेके क्या कुछ निकल के आता है और क्या वाकई में विपक्ष जो दावे कर रहा है इस यात्रा के अगर राजनीतिक मायने निकलते हैं या चुनावों पे इसका क्या कुछ असर पड़ता है, ये तो अब 23 तारीख को ही पता चल सकेगा। फिलहाल हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया। Shiva.